वेलकम टू ग्लोबल फैंटेसी। ग्लोबल फैंटेसी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से नए लीग में WPL का आगाज होने वाला है 23 तारीख से, और पहला मुकाबला मुंबई ओमेंस वर्सेस दिल्ली ओमेंस के बीच खेला जाएगा, जो कि पिछले साल की फाइनलिस्ट रही थी, जिसमें पिछले साल मुंबई और दिल्ली के बीच में फाइनल खेला गया था और मुंबई ने फाइनल जीत के पहला WPL का खिताब अपने नाम किया था। इस सीज़न का भी ये WPL का सेकेंड सीज़न है और इस सीज़न का भी पहला मुकाबला इन दो टीमों के बीच ही खेला जाएगा, और टूर्नामेंट की ये सबसे धाकर टीम है दो, मतलब इन दोनों के पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं, इसलिए मैच ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और ये पूरा सीज़न WPL का हम लोग ग्लोबल फैंटेसी के चैनल पर कवर करने वाले हैं। फाइनल टीम आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वर्ल्ड कप पिछला वाला IPL हम लोगों ने बहुत ही अच्छा कवर किया है, इसलिए इस बार भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम आपको मैच के टॉस के बाद आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिससे आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों ही खेल सकते हो। तो बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला मुकाबला मुंबई दिल्ली के बीच में खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा बेंगलुरु के एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड कप के मुकाबले भी हुए थे, और ये वेन्यू जो है बैटर्स फ्रेंडली माना जाता है, और यहाँ पे पिछले मुकाबले में ये कुछ हुआ था, यहाँ पे अफगानिस्तान वाला भी मुकाबला शायद हुआ था यहाँ पे, इंडिया अफगानिस्तान का, और ऑस्ट्रेलिया से भी मुकाबला हुआ था यहाँ पे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ से बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, यष्टिका भाटिया तान्या भाटिया दो ऑप्शन है, दोनों ही खेलेंगे, लेकिन इसमें से एक सेफ चॉइस ही या फिर फ्रंट ऑन चॉइस है यहाँ पे यष्टिका भाटिया। यष्टिका भाटिया को आप डायरेक्ट लेके जा सकते हो। तान्या भाटिया नीचे आती हैं बैटिंग के लिए, उतने कुछ खास रिकॉर्ड्स भी नहीं है, पिछले सीजन में भी फ्लॉप रही थी, इसलिए इन्हें आज भी ड्रॉप कर सकते हो। ये काज जीएल की टीम में हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रंप बन जाए तो ले सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इन्हें ड्रॉप करना ही सही होगा। यश तान्या भाटिया को यहाँ से यष्टिका भाटिया सेफ चॉइस है। बैटिंग में आए तो यहाँ से बात करें मेग लैनिंग, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, जिमी रॉजर्स, अमनजोत कौर, यहाँ पर आ जाएंगी हैरिस, यहाँ पर काजी, बस यहीं तक खेलेंगी। तो इनमें से लेने की बात करें किसे आप ले सकते हो अपनी टीम में, तो यहाँ से आप मेग लैनी, पिछला सीज़न बहुत ही कमाल का गया था, ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं, दिल्ली को पिछले सीज़न फाइनल तक लेके गई थी, इस सीज़न में भी ये बढ़िया कर सकती हैं, लेकिन पहला मैच है तो पहले मैच के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों ओपनर शेफाली वर्मा के साथ ये ओपन करने आएंगी, तो मैं इन दोनों में से शेफाली वर्मा के साथ जाऊँगा, जो कि शुरुआती कुछ मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती हैं, इसलिए शेफाली वर्मा को मैं लेके जाऊँगा। आप चाहो तो दोनों को ही लेके जा सकते हो, दोनों ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती हैं, लेकिन सामने मुंबई की टीम है जिसके बॉलर्स बहुत ही बढ़िया हैं, इसलिए इन दोनों में से कोई एक, तो आप चाहो मेग लैनिंग को ले सकते हो, शेफाली वर्मा, दोनों में से कोई एक को। सेफ जाना है तो मेग लैनिंग, रिस्क लेना है तो शेफाली वर्मा। फर्स्ट मुकाबला है, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही है, इसलिए शेफाली वर्मा को अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से मेग लैनिंग को भी ले सकते हो। नीचे बात करें यहाँ पे हरमनप्रीत कौर की, तो इन्हें अपनी टीम में लेके ही जाना है। अगर मुंबई चेस करने के लिए जाती है उस केस में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो, वरना इन्हें अपनी टीम में अपने ले सकते हो। नीचे यहाँ पर बात करें जमेमा रॉड्रिक्स की, जिमी रॉड्रिक्स को आप दोनों ही इनिंग में ट्राई कर सकते हो, ट्रंप प्लेयर हो सकती हैं, जीएल की ये पहली ट्रंप प्लेयर यहाँ से निकल के आ रही हैं जिमी रॉड्रिक्स, केवल 29% सिलेक्शन है, बढ़िया करके जा सकती हैं जिमी रॉड्रिक्स, इन्हें आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। अमनजोत कौर, अभी जो यहाँ पे इंडियन वोमेन वर्सेज ऑस्ट्रेलियन वोमेन, इंग्लैंड वोमेन माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड वोमेन का जो सीरीज हो रहा था उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस किया था इन्होंने, लास्ट में जाके इन्होंने मैच तो हार गया था लेकिन इंडिया, लेकिन ये बढ़िया परफॉर्मेंस करके मैच में टिके रही थी, इसलिए इन्हें आप ट्राई कर सकते हो। अमनजोत कौर को बढ़िया खिलाड़ी हैं, जीएल में आपके लिए एक ट्रंप प्लेयर हो सकती है, केवल 6% सिलेक्शन है, और स्मॉल लीग में भी एक आठ टीमों में ट्राई कर लीजिएगा। हैरिस की बात करें, खेलती हैं तो हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर हैं, आते ही अटैकिंग बल्लेबाजी करती हैं, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। काजी उतने अच्छे कुछ पिक नहीं है, इसलिए इन्हें ड्रॉप करना है। यहाँ से हरमनप्रीत कौर, मेग लैनिंग को आप चाहो तो ले सकते हो, अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे शेफाली वर्मा मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआती मुकाबले में बढ़िया कर सकती हैं, और अमनजोत कौर, इन तीनों के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे अमनजोत कौर के बदले यहाँ पे जिमी रॉड्रिक्स को भी ले सकते हो। यहाँ से बात करो ऑलराउंडर सेक्शन में, तो एमेलिया कार, हैली मैथ्यू, नेस्ट कैबर ब्रांच, मरीजाने कैप, एलिस कैप्सी, जेस जोनसन,
ये कुछ खिलाड़ी हैं जिसमें एमिलिया कर का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, साथ ही में हैली मैथ्यू, नेट्स कैबरबॉन्ट, मरिजाने कैप, इन चारों का ही फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है रिसेंट में। और इस ग्राउंड पे जो है स्पिन के लिए थोड़ा हेल्पफुल है, इसलिए एमिलिया कर, हैली मैथ्यूज और यहाँ पे बात करें तो जेनेसन, ये तीन खिलाड़ी जो है स्पिन से विकेट ले सकती है, साथ ही साथ बल्ले से भी रन बना सकती है। तो यहाँ से एमिलिया कर तो अपनी आपकी टीम में होनी ही चाहिए। साथ ही बात करें हैली मैथ्यूज की, तो पिछला सीज़न बहुत ही कमाल गया था, पर्पल कैप होल्डर थी, बहुत ही इनका सीज़न कमाल गया था, इसलिए इन्हें आप चाहो तो ले सकते हो। लेकिन पहला मुकाबला है, सामने दिल्ली की टीम है और ये ओपन करने आएंगी, और यहाँ से मैंने ओपनर में यहाँ पे पहले ही रख लिया है यष्टिका भाटिया को, यष्टिका भाटिया और हैली मैथ्यूज दोनों ही ओपन करने आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे हैली मैथ्यूज को ड्रॉप करके नेट्स काइबर ब्रंथ के साथ जा रहा हूँ, जो कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगी और बढ़िया खेलती भी हैं, इनका रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है, प्लस डेथ में ओवर कराएंगी तो 1-8 विकेट ले सकती हैं। नीचे बात करें मरिजाने कैप को, टीम में ज़रूर रखना है, जीएल में कप्तान वाइस कप्तान भी ट्राई कर सकते हो मरिजाने कैप को। साथ ही में यहाँ पे बात करें अमेलिया कर, इन्हें भी आप जीएल में प्लस स्मॉल लीग में दोनों ही में सीवीसी ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से ही पॉइंट दे के जा सकती हैं। एलिस कैप्सी को 1-8 जीएल की टीमों में ट्राई कर लेना है, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी पिक नहीं होंगी। नीचे बात करें जेस जोनासन को टीम में ज़रूर लेके चलना है, बढ़िया खिलाड़ी अगर खेलती हैं तो आपको पॉइंट्स दे के जा सकती हैं, लेकिन अभी के लिए खेलने के चांसेस कम है, इसलिए मैं यहाँ से इन्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। लेकिन अगर जस्ट जोनासन खेलती हैं तो ज़रूर अपनी टीम में लूँगा मैं। नीचे बात करें सदरलैंड, सदरलैंड का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, खेलती हैं तो ज़रूर लेके चलिएगा, डेट में बॉलिंग कराएंगी और इन्हें 2 विकेट मिल सकते हैं, प्लस बल्लेबाजी से भी पॉइंट आपको दे सकती हैं। सी ट्रायन बढ़िया खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका के लिए खेलती हैं वुमेंस में, रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, जीएल में आपको पॉइंट दे के जा सकती हैं। यहाँ से नीचे बात करें तो नीचे यहाँ पे ये 3 खिलाड़ी हैं जिनमें से अगर ट्राई करना हो तो मानी मीनू को ट्राई कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, और सिलेक्शन देखो इनका 0% सिलेक्शन है, और ये आपके लिए जीएल की एक ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं, 2nd नंबर जीएल ट्रम्प प्लेयर जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आज के मुकाबले के लिए, मानी मीनू, इन्हें आप जीएल में वीसी ट्राई कर सकते हो, 1-8 टीमों में रिस्क लेके मानी मीनू को वीसी बना लेना, बढ़िया खिलाड़ी हैं मानी मीनू, आपको पॉइंट्स दे के जा सकती हैं, याद रखना ये मानी मीनू बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे शबनम इस्माइल, पूजा वस्ताकर, साइका इसाक, सिका पांडे, इसी वोंग, राधा यादव, ये कुछ बॉलर है देख खेलते हुए नजर आएंगे। शबनम इस्माइल बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन WPL में पिछले सीज़न उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाई थी, और ये ग्राउंड भी जो है वहाँ पे भी बॉलर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैं इन्हें ड्रॉप करके ही चलूँगा। अगर मुंबई की पहले गेंदबाजी आती है तब उस केस में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डेथ में कराएंगी, उस केस में आपको ये विकेट दे सकती हैं। पूजा वस्ताकर सेम केस, अगर मुंबई पहले बॉलिंग करती है उस केस में ट्राई कर सकते हो, इवन आप मुंबई के फर्स्ट बैटिंग में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन उतने कुछ खास पिक नहीं होंगे पूजा वस्त्राकर, इसलिए इन्हें भी मैं ड्रॉप करके ही चलूँगा। साइका इसाक को अपनी टीम में लेके चलना है, जिस तरह का पिछला सीज़न गया था और अभी जो जिस तरह की फॉर्म में है साइका इसाक, इन्हें आप CVC भी बना सके जा सकते हो, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ही। सिका पांडे दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगी, इन्हें अपनी टीम में ज़रूर लेके चलिएगा, बढ़िया खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस से भरी हुई हैं, और अगर दिल्ली की पहले बॉलिंग आती है, दिल्ली के पहले अगर बॉलिंग आ जाएगी तो सिका पांडे आपको 2-3 विकेट निकालते हुए नजर आएंगी, उस केस में आप इन्हें ग्रैंड लीग में CVC बना सकते हो। इसी वोंग बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, पिछला जो सीज़न था इन्हें लेट से जोड़ा गया था स्क्वाड से, और ये बहुत ही बढ़िया खेल के गई थी, और रिसेंट में इंग्लैंड की तरफ से भी बढ़िया खेल के आ रही हैं, इसलिए इन्हें टीम में लेके दिया जा सकता है। यहाँ से बात करें कप्तान वाइस कप्तान की, तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे कप्तान बना रहे हैं नेट्स काइबर ब्रंथ को, लोग यहाँ पे कप्तान बना रहे हैं, और वाइस कप्तान यहाँ पे लोग बना रहे हैं हैली मैथ्यूज को, जिनको हम लोगों ने ड्रॉप किया हुआ है, और मेग लैनिंग, 2 बड़े खिलाड़ी को हमने ड्रॉप किया हुआ है। आप चाहो तो उन दोनों को, मेग लैनिंग को लेना है तो आप शेफाली वर्मा की जगह ले सकते हो, और हैली मैथ्यूज को लेना है तो अमनजोत कौर की जगह पे ले सकते हो, ये कुछ जो प्लेयर हैं आप चेंज कर सकते हो। और वहीं पे जो ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने बताया था, आप ऑलराउंडर या फिर एक किसी बल्लेबाज को ड्रॉप करके आप मानी मीनू के साथ जा सकते हो, जो कि मैं लास्ट मोमेंट पे हो सकता है चला भी जाऊँ,
या फिर आप यहाँ से शिखा पांडे को या फिर साइका इसक, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके मानी मीनू के साथ जा सकते हो, जो कि बढ़िया खिलाड़ी हैं। कप्तान की बात करें तो मैं यहाँ पे नेट्स कमरबंद को कप्तान नहीं बनाऊंगा, मरिजाने कैप मेरी कप्तान होंगी, अमिलिया कर को मैं कप्तान बना रहा हूँ और वाइस कप्तान मेरी शेफाली वर्मा। ये मेरी आज की टीम है, बहुत ही रिस्की टीम है, आपको अगर इससे खेलना है तो खेलिएगा, लेकिन फाइनल टीम मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूंगा, जिससे आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों ही खेल सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, ये पूरा सीजन हम कवर करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।